बच्चों जितना जल्दी हो सके मोहित गुड मॉर्निंग मुनमुन गुड मॉर्निंग पवन पांडे गुड मॉर्निंग नेहा गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग बच्चों सविता गुड मॉर्निंग मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार अध्ययन करते होंगे रोहित गुड मॉर्निंग और जहां भी कोई समस्या होगी व्हाट्सएप के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं ठीक है तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं प्रियंका गुड मॉर्निंग आज हमारा विषय होगा भारतीय पुनर्जागरण और यूरोपीय पुनर्जागरण यूरोपीय पुनर्जागरण दोनों के बीच समानता क्या है और असमानता क्या है ठीक है दोनों के बीच समानता क्या है और असमानता क्या है क्योंकि यहां से यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा जा सकता है और ऐसा संभावना है कि भविष्य में इन दोनों को मिलाकर यूपीएससी कोई क्वेश्चन बना सकती है तो आज सबसे पहले हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भारत में जो पुनर्जागरण हुआ और जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ दोनों में क्या समान है मींस दोनों में इक्वालिटी कहां कहां पर है और दोनों में असमानता कहां कहां पर है राइट तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो यूरोपीय पुनर्जागरण है इसका समय फोर्टीन सेंचुरी से लेकर सिक्सटीन सेंचुरी के बीच में देखा जाता है यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ उसका समय फोर्टीन टू सिक्सटीन सेंचुरी माना जाता है जबकि भारत में जो पुनर्जागरण होता है उसका समय क्या है 19 सेंचुरी उन्नीसवीं सदी और प्लस बीसवीं सदी इन दोनों में भारतीय पुनर्जागरण का लगातार विकास हो रहा है तो सबसे पहले तो समय का अंतर हो गया राइट अब इसके बाद हम देखेंगे कि दोनों में और समानता क्या हो सकता है तो आइए बच्चों सबसे पहले आप जो मुख्य बिंदु है उसको नोट कर लीजिए और फिर बीच में हम आपको रोक करके समझाएंगे तो हेडिंग डालिए भारतीय पुनर्जागरण और यूरोपीय पुनर्जागरण के बीच समानता और असमानता के मुख्य बिंदु के मुख्य बिंदु के मुख्य बिंदु इसमें सबसे पहला पॉइंट डालिए समय अवधि सबसे पहला पॉइंट समय अवधि समय अवधि डैश दीजिए डैश लिखिए नंबर वन पॉइंट यूरोपीय पुनर्जागरण का समय यूरोपीय पुनर्जागरण का समय सामान्य तौर पर सामान्य तौर पर फोर्टीन से लेकर सामान्य तौर पर फोर्टीन से 16 सेंचुरी के बीच में माना जाता है माना जाता है दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट भारत में पुनर्जागरण का प्रारंभ भारत में पुनर्जागरण का प्रारंभ सामान्य तौर पर 19 सेंचुरी के 19 सेंचुरी के प्रारंभ से माना जाता है 19 सेंचुरी के प्रारंभ से माना जाता है और फिर इसका प्रवाह और फिर इसका प्रवाह बीसवीं सदी में भी दृष्टिगोचर होता है और फिर इसका प्रवाह बीसवीं सदी में भी दृष्टिगोचर होता है फुल स्टॉप दूसरा पॉइंट उद्देश्य 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 ऑब्जेक्टिव दूसरा लिखिए उद्देश्य लिखिए दोनों पुनर्जागरण में दोनों पुनर्जागरण में मुख्य उद्देश्य था दोनों पुनर्जागरण में मुख्य उद्देश्य था मध्यकालीन मध्यकालीन सामंतवादी मध्यकालीन सामंतवादी अप्रगतिशील अप्रगतिशील परंपराओं को मत देकर के संस्थाओं को विस्थापित करके विस्थापित करके तर्क बुद्धिवाद तर्क बुद्धिवाद मानवतावाद विज्ञानवाद समतावाद इहलौकिकता 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 आशावाद लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रवाद के आधार पर एक नवीन रचनात्मक समाज समाज धर्म संस्कृति संस्था का सृजन करना का सृजन करना सृजन करना का सृजन करना जिसके केंद्र में जिसके केंद्र में मानव को प्रतिष्ठित किया जा सके जिसके केंद्र में मानव को प्रतिष्ठित किया जा सके इसी बात को इसी बात को यूरोपीय विचारक इसी बात को यूरोपीय विचारक वॉल्टेयर वॉल्टेयर रूसो कहते हैं कहते हैं और भारत में भी और भारत में भी राजा मोहन राय से लेकर गांधी तक राजा मोहन राय से लेकर गांधी तक भी इस विचारधारा से इस विचारधारा से अपने आप को जोड़ते हैं यह ज्यादा बेहतर होगा इस विचारधारा से अपने आप को जोड़ते हैं और आधुनिक भारत का सपना देखते और आधुनिक भारत का सपना देखते फुल स्टॉप। बहुत बेहतर है ये बहुत ही बेहतर सरगर्भित हमने यूरोप को जोड़ा हमने भारत को जोड़ा और दोनों को कैसे जोड़ा नंबर वन यूरोप में हुआ पुनर्जागरण यूरोप में हुआ धर्म सुधार आंदोलन यूरोप में हुआ प्रबोधन और तीनों आंदोलनों के माध्यम से इन तीनों बौद्धिक क्रांतियों के माध्यम से जिन विचारों को आपने उल्लेख किया है समतावाद तर्क बुद्धिवाद आशावाद इलौकिकता लोकतंत्र ये सब पुनर्जागरण का धर्म सुधार आंदोलन का और प्रबोधन का देन है उसका उपज है इससे बेहतर उद्देश्य और नहीं हो सकता राइट right. मुझे लगता है कि आप सभी लोग लिख लिए होंगे क्या आप सभी लोग लिख लिए होंगे बोलिए यस वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है आप देखिए अब मैं लेता हूं समानता दोनों में समानता लेता राइट और इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से लिखेंगे एक डायग्राम के माध्यम से लिखेंगे यहां लिखिए आप यूरोपीय पुनर्जागरण और यहां लिखिए भारतीय पुनर्जागरण हो गया सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट तर्क बुद्धिवाद मानवतावाद समतावाद, समतावादकिकता धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र लोकतंत्र पर अतिशय अतिशय बल अतिशय बल अतिशय बल मतलब अत्यधिक बल इधर लिखिए ये सारे विचारधाराएं यहां भी दृष्टिगोचर होते हैं यानी जितना इधर है उतना ही इधर भी है यह पहला समानता हो गई यानी जिन आदर्शों पर जिन मूल्यों पर जिन विचारों पर यूरोपीय पुनर्जागरण ने बल दिया भारतीय पुनर्जागरण में भी इन विचारों को प्राथमिकता प्रदान किया गया यह पहला समानता है इसमें कोई अंतर नहीं इट्स ओके नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट यूरोपीय पुनर्जागरण में साहित्य दर्शन भाषा कला आदि में विकास आदि में विकास यूरोपीय पुनर्जागरण में साहित्य दर्शन भाषा कला इत्यादि क्षेत्रों में विकास इत्यादि क्षेत्रों में विकास भारतीय में लिखिए भारतीय भारतीय पुनर्जागरण में भी साहित्य दर्शन भाषा इत्यादि क्षेत्रों में विकास इत्यादि क्षेत्रों में विकास इत्यादि क्षेत्रों में विकास इत्यादि क्षेत्रों में विकास अब अगला हेडिंग डालिए असमानता 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 यहां लिखिए यूरोपीय पुनर्जागरण में विज्ञान भौगोलिक खोज कला कला में चित्रकला मूर्तिकला अस्थापत्य इत्यादि क्षेत्रों में इत्यादि क्षेत्रों में अभूतपूर्व अभूतपूर्व विकास हुआ इत्यादि क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ अभूतपूर्व विकास हुआ फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अमेरिका भारत अफ्रीका खोज फॉर एग्जाम्पल अमेरिका भारत और अफ्रीका का खोज और अफ्रीका का खोज नंबर वन पॉइंट ये पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट इसी में दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल में दूसरा पॉइंट ये पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल दूसरा कोपरनिकस गैलीलियो केपलर न्यूटन बेसिलियस वैसीलियस विलियम हार्वे के द्वारा के द्वारा खगोल शास्त्र खगोल शास्त्र भौतिक शास्त्र चिकित्सा शास्त्र खगोल शास्त्र भौतिक शास्त्र एवं चिकित्सा शास्त्र चिकित्सा मेडिसिन मेडिसिन आदि के क्षेत्र में आदि के क्षेत्र में कई आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया कई आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया गया जिसका परिणाम हुआ जिसका परिणाम हुआ कि इंग्लैंड में वैज्ञानिक क्रांति हुई इंग्लैंड में वैज्ञानिक क्रांति हुई और उसके बाद औद्योगिक क्रांति और उसके बाद औद्योगिक क्रांति एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल तीसरा लियोनार्डो द लियोनार्डो द विंसी माइकल एंजलो माइकल एंजेलो ओके लियोनार्डो द विंसी माइकल एंजेलो एंड राफेल और राफेल के द्वारा लियोनार्डो द विंसी माइकल एंजेलो और राफेल के द्वारा चित्रकला चित्रकला पेंटिंग मूर्ति कला स्कल्पचर स्थापत्य कला आर्किटेक्चर में क्रांति हुई में क्रांति हुई में क्रांति हुई में क्रांति हुई ओके ठीक है अब आइए भारत में आइए भारतीय पुनर्जागरण में आइए भारतीय पुनर्जागरण लिखिए लिखिए यद्यपि भारत में भी विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु जगदीश चंद्र बसु जगदीश चंद्र बसु मेघनाथ साहा मेघनाथ साहा सीवी रमन के द्वारा कुछ वैज्ञानिक कुछ वैज्ञानिक विचार कुछ वैज्ञानिक विचारधारा को कुछ वैज्ञानिक विचारधारा को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ प्रोत्साहन प्राप्त हुआ लेकिन इसके द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में कोई क्रांति नहीं हुई और नहीं कोई भौगोलिक खोज और नहीं कोई भौगोलिक खोज और कला के क्षेत्र में क्रांति और कला के क्षेत्र में क्रांति उसके नीचे लिखिए कारण उसके नीचे लिखिए कारण ऐसा क्यों कारण लिखिए डैश देकर के वास्तव में भारत में वास्तव में भारत में एक औपनिवेशिक सरकार थी वास्तव में भारत में एक औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार थी औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार थी जिसका उद्देश्य भारत में किसी वैज्ञानिक मा दे करके सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक क्रांति को जन्म नहीं देना था क्रांति को जन्म नहीं देना था बल्कि भारत के मानवीय बल्कि भारत के मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का दोहन करना था इसलिए यूरोप की तरह भारतीय धारा पर धारा मतलब पृथ्वी धारा मतलब ये पृथ्वी जमीन इसलिए भारतीय धारा पर कोई क्रांति संभव नहीं थी कोई क्रांति संभव नहीं थी केवल सुधार ही संभव था केवल सुधार ही संभव था ओभी सीमित अर्थों में केवल सुधार ही संभव था ओभी सीमित अर्थों में ओ भी सीमित अर्थों में फिर भी फिर भी इसी सीमित सुधार से फिर भी इसी सीमित सुधार के अंदर से इसी सीमित सुधार के अंदर से आधुनिक भारत आधुनिक भारत के उद्भव के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ मार्ग प्रशस्त हुआ स्टॉप मार्ग प्रशस्त हुआ स्टॉप मुझे लगता है कि आप सभी लोग लिख लिए होंगे सभी बच्चे लिख लिए होंगे बहुत बेहतरीन है बहुत बेहतरीन है यही यही सटीक यही सटीक जो है उत्तर होगा बस एग्जाम में इसे छाप देना है एग्जाम में इसे छाप देना है कुछ जोड़ना नहीं है कुछ घटाना नहीं ठीक राइट देखिए बच्चों इस बात पर ध्यान देना है आपको मैं बता दूं कि दिसंबर से लेकर दिसंबर से लेकर और अभी तक आज तक मैंने लगभग सोलह किताब सोलह बुक्स हमने मंगा लिया है सिक्सटीन बुक्स अभी परसों हमने लगभग पांच हजार की तीन किताबों का ऑर्डर दिया है वो किताब मेरे पास आएगी पच्चीस जनवरी से लेकर और दो फरवरी के बीच में तीन किताब है पांच हजार की लेकिन हमने क्या अनुभव किया कि ज्ञान का कोई सीमा नहीं जितना किताब खरीदते जाओ उतना ही कुछ नई किताबें आती रहती अभी देखिए मैं दिखाता हूं आपको एक बुक मैंने अभी लिया है ये देखिए यह किताब है इसका टाइटल पढ़िए सम्राट इसका टाइटल है उपनिवेश संस्कृति और प्रतिरोध कॉलोनाइजेशन कल्चर एंड रेजिस्टेंस, इसको लिखा है केन परनिकर इस किताब को लिखा है केन परनिकर ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, ये जेनयू में इतिहास के प्रोफेसर हैं बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, इतना बेहतरीन लिखा है कि मैं क्या बताऊं तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि ज्ञान का विस्तार करना है पहले आप आईएएस बन जाइए आईएएस बनने के बाद फिर पढ़ते रहिए अभी आवश्यकता है सीमित सटीक ज्ञान का ताकि परीक्षा में लिखा जा सके इससे एतर आपको भागने की आवश्यकता नहीं है ठीक है क्योंकि रिसर्च करने के बाद हाँ अमन ये मार्क्सवादी विचारक हैं क्योंकि अधिक ज्ञान होने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते आप किसी विश्वविद्यालय में लेक्चरर बन सकते लेकिन आईएएस नहीं बन सकते आईएएस के लिए सीमित और सटीक ज्ञान होना अनिवार्य है राइट right. तो आइए हम अगला टॉपिक लेते हैं अगला टॉपिक है देखिए इस संदर्भ में हम चाणक्य के चाणक्य इंस्टीट्यूट के अन्य टीचरों से भी बात करता हूं कि भाई मैं तो किताब लिया हूं आप लोग भी लेते हैं क्या मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो कहे कि हमने किताब लिया है दस साल पहले जो किताब आई है उसी से काम चल रहा है हम अपने आप को अपडेट करते हैं मेरा शौक है किताब का ठीक है तो आइए हम अगला टॉपिक लेते हैं कि भारतीय समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन की सीमाएं सीमाएं यानी Limitations of the socio religious reform movement of nineteenth century. इंडिया इन इंडिया ये हम लोग का अगला टॉपिक होगा यानी जो भारत में समाज और धर्म के क्षेत्र में सुधारवादी आंदोलन हुआ उसमें कमियां क्या है उसकी कमजोरियां क्या है उसकी परिधि क्या है उसकी सीमाएं क्या है उसका बाउंड्री क्या है और क्या हो सकता था क्यों नहीं हुआ और जो हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिए फिर हम समझाएंगे इसमें सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिए नंबर वन पहला पहला लिखिए सामान्य तौर पर सामान्य तौर पर भारतीय समाज और धर्म सुधार आंदोलन का स्वरूप मध्यवर्गीय मध्यवर्गीय तथा नगरीय था मध्यवर्गीय तथा नगरीय था मध्यवर्गीय तथा नगरीय था बच्चों इसका मतलब हुआ कि इस आंदोलन का जो पहुंच है वह ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जा पाया शहरों तक सीमित रह गया जो शहरों के पढ़े लिखे लोग थे उन तक सीमित हो गया वो गांव के किसान मजदूर लोग अशिक्षित लोग तक ये लोग नहीं पहुंच पाए रोहित राइट डाउन मैंने कहा कि भारतीय समाज और धर्म सुधार आंदोलन का स्वरूप नगरीय तथा मध्यवर्गीय था ये इनका पहला कमजोरी है यानी ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग रहते हैं हम तक यह सुधार आंदोलन नहीं पहुंच पाया कई कारण हो सकते हैं संचार का अभाव था संचार के साधन नहीं थे शिक्षा का अभाव था सरकार भी नहीं चाहती थी कई कारण हो सकते हैं दूसरा लिखिए दूसरा पॉइंट दूसरा लगभग लगभग सभी समाज सुधारक लगभग सभी समाज एवं धर्म सुधारक अपने 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 धर्मों तक सीमित रह गए अपने अपने धर्मों तक सीमित रह गए हालांकि उनका प्रयास हालांकि उनका प्रयास सभी धर्मों के बीच एकता स्थापित करने का था सभी धर्मों के बीच एकता स्थापित करने का था नंबर थ्री तीसरा पॉइंट उन्नीसवीं सदी के उन्नीसवीं सदी के समाज धर्म सुधार आंदोलन में समाज और धर्म सुधार आंदोलन में अतीत की गुड़गान अतीत की गुड़गान अधिक किया गया अतीत की गुणगान अधिक किया गया तथा सुधारों के लिए धार्मिक ग्रंथों को तथा सुधारों के लिए सुधार के लिए धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया गया सहारा लिया गया जिसका परिणाम हुआ कि तर्क बुद्धिवाद तर्क बुद्धिवाद तथा वैज्ञानिक विचारों तथा वैज्ञानिक विचारों के प्रगति के लिए वैज्ञानिक विचारों के प्रगति के लिए अत्यधिक उर्वर जमीन प्राप्त नहीं हो पाया उर्वर जमीन प्राप्त नहीं हो पाया उर्वर जमीन प्राप्त नहीं हो पाया नंबर फोर कई धर्म सुधारकों ने कई धर्म सुधारकों ने अपने सुधार योजना के लिए अपने सुधार योजना के लिए केवल प्राचीन भारत में केवल प्राचीन भारत में होने वाले ज्ञान विज्ञान के प्रगति को के प्रगति को अपना आदर्श बनाया प्रगति को अपना आदर्श बनाया उसमें मध्यकाल में उसमें मध्यकाल में समाज और संस्कृति में होने वाले विकास को स्थान नहीं दिया गया विकास को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया जिसका परिणाम हुआ जिसका परिणाम हुआ कि भारत में सुलहे खोल पर आधारित भारत में ऐसे लिखिए सुलह ए कुल या अशोक के धम अशोक के धम अशोक के धम पर आधारित एक समासिक एक समासिक संस्कृति का एक समासिक संस्कृति का विकास नहीं हो पाया विकास नहीं हो पाया जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय समाज में सविता बताता हूं सामाजिक संस्कृति जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय समाज में संप्रदायवाद का जन्म हुआ बहुत बढ़िया अंशु गर्ग बहुत सुंदर बहुत बहुत बढ़िया आई शुड अप्रिशिएट यू बहुत बढ़िया जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय समाज में जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय समाज में संप्रदायवाद का विकास होना शुरू हो गया जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय समाज में संप्रदायवाद के विकास के लिए ऐसे संप्रदायवाद के विकास के लिए उर्वर जमीन प्राप्त हो गया उर्वर जमीन प्राप्त हो गया उर्वर जमीन प्राप्त हो गया जो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए जो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक भारतीय राष्ट्रवाद के लिए घातक साबित हुआ जो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए घातक साबित हुआ बहुत बढ़िया घातक साबित हुआ एग्जाम्पल एटीन एटी सेवन में एग्जाम्पल एटीन एटी सेवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में एक मुस्लिम नेता एक मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता जी तैयबजी तैयब तैयबजी बद्रुद्दीन तैयबजी को जब कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित किया गया अध्यक्ष घोषित किया गया तो सैयद अहमद खान के द्वारा सैयद अहमद खान के द्वारा बद्रुद्दीन ऐसे बद्रुद्दीन तैयब जी तैयब जी उजाला लिख लो बद्रुद्दीन जी तब तब सैयद अहमद खान के द्वारा इसका विरोध किया गया इसका विरोध किया गया जो ब्रिटिश सरकार के कहने पर जो ब्रिटिश सरकार के कहने पर भारतीय मुसलमानों को भारतीय मुसलमानों को साम्राज्य विरोधी साम्राज्य विरोधी राष्ट्रवादी साम्राज्य विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन से साम्राज्य विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन से पृथक आंदोलन से पृथक पृथक अलग रहने का सुझाव दे रहे थे पृथक रहने का सुझाव दे रहे थे खड़ी पाई फुल स्टॉप सविता ने पूछा कि सर समासिक संस्कृति का अर्थ क्या होता है समासिक संस्कृति का अर्थ क्या होता है यानी कंपोजिट कल्चर कंपोजिट कल्चर सविता आप व्याकरण में समास पढ़ी होंगी आप व्याकरण में समास पढ़ी होंगी हां पवन पांडे ने कहा गंगा जमुनी संस्कृति क्या बात है सविता, आप व्याकरण में समास पढ़ी होंगी समास में क्या होता है कि कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनते हैं कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द हम बनाते हैं जैसे हम कहते हैं कि जिसके सिर पर जिसके मस्तक पर जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं तो समासिक संस्कृति का मतलब हुआ कि मुस्लिम और हिंदू दोनों संस्कृतियों को मिलाकर एक संस्कृति बनाया जाए ताकि दोनों में लेन देन हो सके होली और ईद एक साथ मनाया जा सके होली और ईद को एक साथ मनाया जा सके उसे हम कहते हैं समासिक संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति कुछ उनका कुछ आपका दोनों को मिलाकर इसको हम और कह सकते हैं समन्वित संस्कृति समन्वित संस्कृति भी कहते हैं इसे हम मिश्रित संस्कृति भी कहते हैं इसे हम गंगा जमुनी संस्कृति भी कह सकते हैं इसे हम सुलह कुल भी कह सकते हैं इसे हम सार्वभौमिक संस्कृति भी कह सकते हैं ध्यान रखना इसे हम मजम उल बहरीन भी कह सकते हैं नाम सुना है आप लोग आप लोग नाम सुने हैं मजम उल बहरीन मजम उल बहरीन मजम उल बहरीन वेरी गुड बहुत बढ़िया किसने बताया दारा ये दारा सिकों का रचना है प्रियंका ने कहा ये किताब जो है दारा सिकोह ने लिखा है फारसी भाषा में इस किताब का अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन दो समुद्रों का मिलन एक समुद्र है हिंदू और दूसरा है मुस्लिम यह शाहजहां का बड़ा पुत्र है औरंगजेब का बड़ा भाई है और हिंदुस्तान में वह अकबर का सच्चा उत्तराधिकारी था दारा अकबर का सच्चा उत्तराधिकारी था हिंदुस्तान को एक साथ लेकर चलना चाहता था दुर्भाग्य था पराजित हुआ मारा गया सविता अब मुझे महसूस होता है कि आप समासिक संस्कृति का अर्थ समझ ली होंगी ठीक है अगला पॉइंट नोट कीजिए अगला पॉइंट देखिए बच्चों इसी कला का परीक्षा में आपको प्रदर्शन करना है आप जानते हैं परीक्षा में कौन पास करता है परीक्षा में वो बच्चा पास करता है जो 150 शब्दों में 150 शब्दों में उस प्रश्न के सभी आयामों को सभी आयामों को क्या करता है टच करता है स्पर्श करता है 150 शब्दों में उस प्रश्न के सभी आयामों पर वह अपना प्रकाश डालता है वही बच्चा पास करता है कारण कि यूपीएससी की परीक्षा में जो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करता है वो बहुत बड़े लोग होते हैं बहुत बड़े लोग काफी सीनियर प्रोफेसर हुआ करते हैं और जब वो देखते हैं कि अच्छा मात्र 150 शब्द में बच्चा ने इस विषय को कितना बेहतर तरीका से रखा है इसमें पॉलिटी उसमें इकोनॉमी उसमें जोग्राफी उसमें साइंस उसमें समाज शास्त्र उसमें दर्शन शास्त्र सबको टच किया है जिसको हम कहते हैं अंत विषयक संबंध यानी सभी विषयों का समावेश किया है वह उत्तर अपने आप में सबसे एक्सलेंट माना जाता है पूर्ण माना जाता है और उसमें नंबर बहुत मिलता है और ऐसे ही बच्चे टॉप करते हैं ध्यान दीजिएगा और शुरू से मेरा प्रयास यही रहा आपको लगता होगा कि सर आधुनिक भारत पढ़ाते हैं यूरोप में चले जाते हैं हम नहीं जाएंगे तो आप पास नहीं करेंगे ध्यान दीजिएगा इसलिए मेरा उद्देश्य होता है कि जितना आयाम हो सके उन सबको खोल दिया जाए ताकि अब इस उत्तर में कोई त्रुटि कहीं से शेष न रह जाए ध्यान दीजिएगा और यह केवल हमसे नहीं होगा आपको भी मेहनत करना होगा आपको लगातार प्रश्नों को लिखना होगा तब जाकर के होता है अब देखिए कल प्रियंका ने हमको एक आंसर भेजा था हमने क्या किया कि क्लास में हमने जो पढ़ाया है उसको तो हमने देखा ही और उस आंसर में जो कमियां थी हमने अलग से कई पॉइंट को जोड़ा है प्रियंका से आप पूछिएगा कई पॉइंट को हमने जोड़ दिया है जो कि क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया था उनको भी जोड़ दिया तो भैया आप लिखेंगे तब तो हम कुछ करेंगे है ना अगला पॉइंट देखिए सीधी सी बात है कि हमको जो तंग करेगा उसी को कुछ मिलेगा जो केवल क्लास करेगा तो केवल क्लास तक ही सीमित रह जाएगा आप तंग करेंगे आपको मिलेगा आप तंग नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा उजाला तुमने अपनी अभी आंसर भेजा कहां है उजाला तुम्हारे पास मेरे पास तुम्हारा कोई आंसर नहीं आया अभी ठीक है चलिए अगला पॉइंट लिखिए अगला पॉइंट ठीक है मैं देखता उजाला मैं देखता हूं लिखिए अगला पॉइंट अगला लिखिए सामान्य तौर पर नाइनटीन सेंचुरी के समाज सुधारकों में समाज सुधारकों में एक प्रवृत्ति एक प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है दृष्टिगोचर होती है इनके द्वारा इनके द्वारा साम्राज्यवादी सरकार की साम्राज्यवादी सरकार की स्वरूप को स्वरूप को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास नहीं किया गया प्रयास नहीं किया गया जैसे राजा राम मोहन राय जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा भारत से धन की निकासी पर धन की निकासी पर चिंता व्यक्त चिंता व्यक्त किया तो जाता है चिंता व्यक्त किया तो जाता है लेकिन वही राजाराम लेकिन वहीं राजाराम मोहन राय ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते हैं भारत के लिए वरदान मानते हैं भारत के लिए वरदान मानते हैं लास्ट पॉइंट समाज सुधारकों ने समाज सुधारकों ने समाज और धर्म के क्षेत्र में धर्म के क्षेत्र में सुधारवादी परिवर्तन लाने के लिए सुझाव तो देते हैं लेकिन आर्थिक समस्याएं लेकिन आर्थिक समस्याएं जैसे पिछड़ेपन जैसे आर्थिक पिछड़ेपन बेरोजगारी गरीबी बार बार पड़ने वाले अकाल इत्यादि के संबंध में इत्यादि के संबंध में उतना मुखर उतना मुखर रूप से उतना मुखर रूप से अपने विचारों को नहीं रखते हैं अपने विचारों को नहीं रखते पैरा बदल दीजिए पैरा चेंज कर दीजिए पैरा बदल दीजिए लिखिए इन सीमाओं के बावजूद इन सीमाओं के बावजूद इस तथ्य से इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता इनकार नहीं किया जा सकता कि आधुनिक भारत के निर्माण में आधुनिक भारत के निर्माण में उन्नीसवीं सदी में उन्नीसवीं सदी में भारत में होने वाली बौद्धिक क्रांति ने होने वाली बौद्धिक क्रांति ने केंद्रीय भूमिका निभाया केंद्रीय भूमिका निभाया वास्तव में जिन सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक समस्याओं का सामना समस्याओं का सामना ये सुधारक कर रहे थे ये सुधारक कर रहे थे ओवे सैकड़ों वर्ष वे सैकड़ों वर्ष से भारतीय समाज में व्याप्त थी वे सैकड़ों वर्ष से भारतीय समाज में व्याप्त थी जिसमें क्रांति नहीं जिसमें क्रांति नहीं सीमित सुधार ही संभव था जिसमें क्रांति नहीं क्रमिक सुधार ही संभव था यह लिखिएगा जिसमें क्रांति नहीं क्रमिक सुधार ही संभव था ओभी तब ओभी तब जब सुधार की परिधि वो भी तब जब सुधार की परिधि को औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने सीमित कर रखा था औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने सीमित कर रखा था सीमित कर रखा था फुल स्टॉप। यह आपका निष्कर्ष है बहुत बेहतर निष्कर्ष है कारण कि जिन समस्याओं का सामना राजा राम मोहन राय कर रहे थे हजारों साल पुरानी वे सारी समस्याएं थी आप सोचिए सती प्रथा गुप्त काल से आ रही है गुप्त काल से सोचिए सबसे पहले 510 एडी में मध्य प्रदेश के एरण से सबसे पहले 510 एडी में मध्य प्रदेश के एरण से हमें सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है सोचिए तो जिन समस्याओं का सामना ये लोग कर रहे थे वे समस्याएं हजारों सालों से भारतीय समाज में व्याप्त थी उसमें क्रांति संभव नहीं था उसमें क्रमिक सुधार ही संभव था और तब भी और 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 दूसरी चीज कि सुधार उस समय हो रहा था जब विद्यमान सरकार सुधार के विरोधी थी सरकार भी चाह रही थी कि क्रांति न हो केवल सीमित सुधार हो क्योंकि जब क्रांति होगा तो फिर हम कहां जाएंगे इसलिए हम भी नहीं चाहते हैं कि भारत में आमूल चूल परिवर्तन हो जाए आमूलचूल परिवर्तन होगा तो लोग आधुनिक बन जाएंगे और जब आधुनिक बन जाएंगे तो फिर अमेरिका की तरह मांग करेंगे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन तो हम भी नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान अमेरिका बन जाए ध्यान दीजिएगा ठीक है तो ये हुआ आपका धर्म समाज सुधार आंदोलन की सीमाएं अब हम लास्ट बिंदु पर चर्चा करेंगे कि धर्म और समाज सुधार आंदोलन का प्रभाव क्या था तो नोट कीजिए अगला हेडिंग समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव का प्रभाव का प्रभाव ठीक है सबसे पहले धार्मिक धार्मिक प्रभाव सबसे पहले धार्मिक प्रभाव नंबर वन धार्मिक प्रभाव लिखिए धर्म के क्षेत्र में धर्म के क्षेत्र में संस्कार हुआ धर्म के क्षेत्र में संस्कार हुआ नवीन विचारधारा नवीन बुद्धिवादी विचारधारा नवीन बुद्धिवादी विचारधारा के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ मार्ग प्रशस्त हुआ जैसे एकेश्वर जैसे एकेश्वर बाद जैसे एकेश्वर बाद धार्मिक सहिष्णुता धार्मिक सहिष्णुता इत्यादि धार्मिक सहिष्णुता इत्यादि धार्मिक सहिष्णुता इत्यादि दूसरा लिखिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव लिखिए वर्ण वर्ण जाति लिंग नस्ल पर आधारित समाज पर आधारित समाज के स्थान पर एक समतावादी समाज एक समतावादी समाज जो आपसी जो आपसी बंधुत्व पर आधारित हो जो आपसी बंधुत्व पर आधारित हो के विकास के लिए के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ इसी में दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में दूसरा प्रभाव भाषा साहित्य आदि के विकास के लिए भी आदि के विकास के लिए भी मार्ग प्रशस्त हुआ आदि के विकास के लिए भी अनुकूल आधार प्राप्त हुआ दोनों में से कोई आदि के विकास के लिए भी अनुकूल आधार प्राप्त हुआ नंबर थ्री नंबर थ्री भारत में राष्ट्रवादी चेतना के विकास के लिए भारत में राष्ट्रवादी चेतना के विकास के लिए एक सांस्कृतिक आधार प्राप्त हुआ एक सांस्कृतिक आधार प्राप्त हुआ जो जो दो रूपों में जो दो रूपों में प्रतिष्ठित हुआ जो दो रूपों में प्रतिष्ठित हुआ नंबर वन नंबर वन राजनीतिक उदारवाद के आधार पर राजनीतिक उदारवाद के आधार पर राजनीतिक उदारवाद के आधार पर जिसका जनक राजा राम मोहन राय थे जिसका जनक राजा राम मोहन राय थे 1885 से 1905 के बीच 1885 से 1905 के बीच 1905 के बीच राष्ट्रवादी एवं उदारवादी नेताओं के लिए राष्ट्रवादी तथा उदारवादी नेताओं के लिए इसने एक वैचारिक आधार दिया एक वैचारिक आधार प्रदान किया डैश डैश संवैधानिक मर्यादाओं के अंदर संवैधानिक मर्यादाओं के अंदर रहते हुए अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखना संवैधानिक मर्यादाओं के अंदर रहते हुए अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखना ये पहला हुआ दूसरा लिखिए आर्य समाज के माध्यम से आर्य समाज के विचारों आर्य समाज के विचारों को आधार बनाकर उन्नीस से 1919 के बीच राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी विचारधारा के लिए उग्रवादी विचारधारा के लिए एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा स्थापित हुई एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा स्थापित हुई जिसका जनक स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद तथा चंद्र चटर्जी तथा चंद्र चटर्जी थे जिसे जिसे लाला लाजपत राय तथा अरविंदो घोष ने अरविंदो घोष ने मुखर अभिव्यक्ति प्रदान किया मुखर अभिव्यक्ति प्रदान किया मुखर अभिव्यक्ति प्रदान किया समझ गए यह है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव अब इसको समझ लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं देखिए आप देखेंगे यह है राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय और यह हुआ स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद जो राजा राम मोहन राय हैं ये उदारवादी हैं ये उदारवादी हैं इनके विचारों में पश्चिम भी है और पूरब भी है और दोनों को मिला करके ये आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते हैं यानी कुछ वेस्ट से लेंगे हम पश्चिम से लेंगे और कुछ पूरब से लेंगे तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ध्यान दीजिए राजा राम मोहन राय के द्वारा जो राष्ट्रवाद का विकास होता है वह उदारवादी राष्ट्रवाद है वह क्या है उदारवादी राष्ट्रवाद है वह उदारवादी राष्ट्रवाद है जिसमें कहा गया कि हम ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं करेंगे हम संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखेंगे इस बात को आप देखोगे कि राजा राम मोहन राय ने भी कहा ठीक लेकिन जो स्वामी दयानंद है इनके विचार में पश्चिम का कोई जगह नहीं है। इनके विचार में केवल पूरब का जगह है ये पश्चिम का निषेध करते हैं ये पश्चिम को नहीं मानते ये कहते हैं कि भारत का निर्माण होगा केवल भारतीय संस्कृति से होगा जिसका परिणाम हुआ कि इनके द्वारा जिस राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसे हम कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसे कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसका अर्थ होता है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति श्रेष्ठ है भारत धर्म गुरु है विश्वगुरु है और इसलिए भारत किसी भी बाहरी सत्ता का निषेध करता है अपने अधिकारों को मांग करता है ये हमारा क्या है प्राकृतिक अधिकार है और यही कारण है बच्चों कि अठारह से 1905 के बीच में देखोगे आप तो उदारवादी धारा है जिसका जनक राजा राम मोहन राय है और 1905 से 1919 के बीच में जो धारा है उसको कहते हैं उग्रवादी धारा है जिसका नायक स्वामी दयानंद है और इस धारा से जुड़े हैं लाल बाल पाल और साथ में अरविंदो घोष जो कहते हैं कि नो 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 अपने शिकायत को अपने अधिकारों को हम ब्रिटिश सरकार से भिक्षा के रूप में नहीं चाहते हैं ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे यानी इस समाज सुधार आंदोलन का प्रभाव केवल समाज और धर्म तक ही नहीं था बल्कि इसका प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन में भी परिलक्षित होती है जब दो धाराएं आती है एक धारा राजा राम मोहन राय के द्वारा और दूसरी धारा दयानंद सरस्वती के द्वारा ठीक है तो ये आपका जो है पॉइंट इसमें इन चीजों को डिस्कस करना है ठीक है अब लिखिए आर्थिक प्रभाव आर्थिक प्रभाव आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव। लिखिए आर्थिक प्रभाव यद्यपि भारतीय समाज सुधारकों ने यद्यपि भारतीय समाज सुधारकों ने तत्कालीन आर्थिक समस्याओं को आर्थिक समस्याओं को मुखर रूप से नहीं उठाया आर्थिक समस्याओं को मुखर रूप से नहीं उठाया मुखर रूप से नहीं उठाया लेकिन इनके विचारों से एक राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एक राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एक राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के उद्भव के लिए अनुकूल आधार प्राप्त हुआ एक राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के उद्भव के लिए अनुकूल आधार प्राप्त हुआ जैसे स्वदेशी का विकास जैसे स्वदेशी के विचारधारा जैसे स्वदेशी के विचारधारा का विकास स्वदेशी के विचारधारा का विकास फुल स्टॉप। यह उल्लेखनीय है कि यह उल्लेखनीय है कि यहां उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद के संदेश में संदेश में भारत में आधुनिक उद्योग आधुनिक उद्योग विज्ञान तकनीकी के विकास का संदेश भी के विकास का संदेश भी परिलक्षित होता है परिलक्षित होता है जब वे कहते हैं जब वे कहते हैं कि भारत निसंदेह अध्यात्म के क्षेत्र में अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे है बहुत आगे है लेकिन आर्थिक विकास लेकिन आर्थिक विकास एवं वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में बहुत पीछे है बहुत पीछे है और भारत को पश्चिम से उस मंत्र को सीखना चाहिए उस मंत्र को सीखना चाहिए जिसके कारण पश्चिम में क्रांतिकारी भौतिक विकास हुआ जिसके कारण पश्चिम में क्रांतिकारी भौतिक विकास हुआ देखिए यानी एक संत है लेकिन उसका सोच केवल धर्म तक सीमित नहीं केवल समाज तक सीमित नहीं है वह आंसू बहाता है कि अध्यात्म के क्षेत्र में हम विश्व का गुरु हैं लेकिन यह उतना ही सत्य है कि हमारे यहां गरीबी है भूखमरी है अकाल पड़ते हैं पिछड़ेपन है कृषि शिल्प का विकास नहीं है क्यों हमें सीखना चाहिए उस मंत्र को जिसके सहारे पश्चिम ने अपने समाज के घरों से गरीबी को हटा दिया बेरोजगारी को सीमित कर दिया हमें सीखना चाहिए ध्यान दीजिएगा यानी हमारे संत कोई एडम स्मिथ नहीं है रिकार्डो नहीं है लेकिन यह भी सत्य है कि केवल उपदेश देने वाले संत भी नहीं ये राष्ट्रवादी संत हैं, जिनके संदेश में राष्ट्र निर्माण का संदेश निहित है और यही कारण है कि सुभाष बाबू ने कह दिया सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया कि बंगाल में जो नव जागरण हुआ जो बौद्धिक क्रांति हुई उसका आध्यात्मिक पिता कौन था मैं नहीं गांधी नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद थे ऐसा क्यों कहा सोचिए सुभाष आईसीएस अधिकारी थे आईसीएस ऑफिसर थे समाजवादी थे क्रांतिकारी नेता थे जब वे इस बात को स्वीकार करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे भाई आइए अंतिम चीज है राजनीतिक प्रभाव देखिए राजनीतिक प्रभाव राजनीतिक प्रभाव देखिए यह सत्य है यह सत्य है कि आर्य समाज को छोड़कर आर्य समाज को छोड़कर किसी किसी भी आर्य समाज को छोड़कर किसी भी चिंतक के द्वारा किसी भी चिंतक के द्वारा ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं किया गया ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं किया गया विरोध नहीं किया गया लेकिन विरोध करने के लिए अनुकूल आधार अवश्य दिया गया किसी भी चिंतक के द्वारा ब्रिटिश सरकार का विरोध तो नहीं किया गया लेकिन विरोध का माहौल बनाया गया विरोध करने के लिए अनुकूल आधार बनाया गया राष्ट्रवाद का उदय राष्ट्रवाद का उदय राष्ट्रवाद का उदय राष्ट्रवाद का उदय का इतना काफी है समझदार के लिए इतना काफी है इसको डिटेल्स नहीं करना है इतना काफी है क्योंकि शब्द सीमा भी देखना है ओके okay. राष्ट्रवाद का उदय इतना लिख देंगे तो परीक्षक समझ लेगा कि इसका मतलब बच्चा क्या कहना चाहता है तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपैक्ट ऑफ रिनेशा ऑन इंडियन सोसाइटी कल्चर रिलीजन इकोनॉमी एंड पॉलिटी राइट इसके पहले आपको हमने कई सवाल दिए हैं ठीक है उन सवालों को हल कीजिएगा ठीक है तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं आज सबसे पहला चिंतक राजा राम मोहन राय के बारे में ठीक है देखिए हम लोग मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय नंबर एक स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद नंबर टू स्वामी विवेकानंद नंबर थ्री और सर सैयद अहमद खान नंबर फोर इन चार विचारकों के बारे में क्लास में हम चर्चा करेंगे और शेष जो थोड़ा बहुत छोटे छोटे हैं उनके बारे में सोमवार को सोमवार के सुबह तक आपके पास हम अपने द्वारा बनाया गया मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स आपको हम प्रदान कर देंगे उसका फायदा क्या होगा उस नोट से आपको केवल तथ्य लेना है केवल तथ्य घटना लेना है और जो विचारधारा है उसको तो हम लोगों ने क्लास में चर्चा कर ही लिया है और समझ भी लिया है तो समतावाद क्या होता है तर्क बुद्धिवाद क्या होता है अब इसके लिए अलग से हमें प्रयास नहीं करना है ठीक है हां जो तथ्य है उसके लिए आप उस नोट से मदद ले सकते हैं ठीक है इससे हम लोग का समय का बचत होगा ठीक है तो मेरा स्ट्रेटजी यही है कि जो मुख्य विचारक हैं उनको क्लास में हम लोग चर्चा कर लेंगे और जो छोटे छोटे हैं उसको हम नोट्स के माध्यम से आपको दे देंगे हम अभी बता देते हैं कि सोमवार के सुबह तक आपके पास पहुंच जाएगा आप सभी के पास पहुंच जाएगा हम फोटो लेंगे स्कैनिंग कर लेंगे और व्हाट्सएप को डाल देंगे सबके पास चला जाएगा ठीक है इससे समय का बचत होगा ठीक है बोलिए देखिए डरिए नहीं डोंट फियर विवेकानंद ने कहा है मोहित कि भय भय हमारा दुश्मन है हमारा शत्रु है जो हमें कमजोर बनाता है भय जो है हमारा शत्रु है जो हमें कमजोर बनाता है भय पाप है और वो कहते हैं ऐसा कोई भी चीज जो हमें कमजोर बनाता है वो पाप है उसका परित्याग कर देना चाहिए उसका परित्याग कर देना चाहिए इसलिए भयभीत नहीं होना है साहसी बनना है आशावादी बनना है दुनिया आपसे छीन नहीं जा रही है दुनिया आपके साथ में बी बोल्ड एंड बी ऑप्टिमिस्टिक ठीक है तो सोमवार के सुबह तक आपको प्रतीक्षा करना है कल क्लास के बाद मेरे पास दो दिन का समय मिलेगा मैं लिखूंगा बढ़िया से व्हाट्सएप कर दूंगा ठीक है मेरे पास है लेकिन थोड़ा सा उसको हम उसको थोड़ा सा सही करना है ठीक है हेडिंग so डालिए राजा राम मोहन राय राइट right. अब देखिए अब सबसे पहले आप कुछ प्रश्न लिखिए और फिर हम इनके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले प्रश्न लिखिए राइट डाउन लिखिए पहला प्रश्न लिखिए शहर में पहला क्वेश्चन है शहर में राजा राम मोहन राय के दो घर थे शहर में राजा राम मोहन राय के दो घर थे एक घर में वे अपने अंग्रेज मित्रों से मिलते थे एक घर में वे अपने अंग्रेज मित्रों से मिलते थे और वहां एक अकेले और वहां एक अकेले भारतीय थे और वहां एक अकेले भारतीय थे और दूसरा घर वो था और दूसरा घर वो था जहां वे अपने भारतीय मित्रों से मिलते थे और दूसरा घर वो था जहां वे अपने भारतीय मित्रों से मिलते थे और वहां वे अकेले अंग्रेज थे और वहां वे अकेले अंग्रेज थे इस कथन को स्पष्ट कीजिए इस कथन को स्पष्ट कीजिए इस कथन को स्पष्ट कीजिए दूसरा क्वेश्चन राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता थे राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता थे टिप्पणी कीजिए टिप्पणी कीजिए नंबर थ्री रज मोहन राय आधुनिक भारत और मध्य भारत के बीच में आधुनिक भारत और मध्य भारत के बीच में एक सेतु थे सेतु का मतलब पुल पुल ब्रिज एक सेतु थे मतलब ब्रिज थे चौथा क्वेश्चन राजा मोहन राय न तो पूर्वी न तो पश्चिमी थे राज राम मोहन राय न तो पूर्वी न तो पश्चिमी थे बल्कि आधुनिक थे बहुत बेहतर प्रश्न है राज राम मोहन राय न तो पूर्वी न तो पश्चिमी थे बल्कि आधुनिक थे नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये रधरा मोहन राय वाज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट ही वाज़ देन फॉर व्हाट ही अचीव्ड हिंदी लिखिए रजरा मोहन राय रजरा मोहन राय बहुत अधिक इसलिए महत्वपूर्ण नहीं थे कि उन्होंने क्या प्राप्त किया कि उन्होंने क्या प्राप्त किया बल्कि इसलिए बल्कि इसलिए कि वे क्या थे बल्कि इसलिए कि वे क्या थे टिप्पणी कीजिए बल्कि इसलिए कि वे क्या थे मैं ऐसा करता हूं सभी बच्चे लिख लिए होंगे सभी लोग लिख लिए होंगे देखिए पढ़ने का तरीका यही है जिसको हम कहते हैं ना साइंटिफिक स्टडी क्या कहते हैं साइंटिफिक स्टडी कहते हैं वैज्ञानिक पढ़ने का तरीका <laughs> अमन ने कहा कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया अमन देखो अमन इसका अर्थ यह हुआ कि मान लो अमन आप आईएएस बनना चाहते हो राइट और मान लीजिए कि आप आईएस नहीं बन पाए राइट right? लेकिन इसके बावजूद आईएस बनने के लिए जो आपने प्रयास किया और इसके बाद भी नहीं हुआ फिर भी आप निराश नहीं हुए अपनी प्रतिभा को अन्य क्षेत्रों में आपने लगाया और वहां आपने वो काम किया जो आईएस बनकर नहीं कर सकते थे इसका मतलब यही हुआ कि राजा राम मोहन राय ने क्या प्राप्त किया इंपॉर्टेंट ये नहीं है लेकिन उनका सोच क्या था उनका थॉट क्या था उनकी आइडियोलॉजी क्या थी उनका फिलोसॉफी क्या था उनका बिहेवियर क्या था वो इंपॉर्टेंट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप आईएस बन जाते हैं और भ्रष्ट हो जाते हैं धन कमाने में लग जाते हैं उसे समाज को क्या मिला उससे समाज को क्या हासिल हुआ अमन इसका मतलब यही हुआ कि राजा साहब क्या सोचते थे दैट वॉज इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या प्राप्त किया ट इज मच मच इम्पोर्टेंट दैंड वॉट ही थॉट जो सोचते थे उससे कहीं अधिक उससे कहीं कम जो है इस बात पर ध्यान देना है कि उन्होंने प्राप्त क्या किया यानी उनका उद्देश्य पर इस प्रश्न को बनाया गया है उनकी उपलब्धि पर नहीं ध्यान देना वो तो क्या सोचते थे हिंदुस्तान जो है समतावादी हो जाए हिंदुस्तान आधुनिक हो जाए हिंदुस्तान सेकुलर हो जाए हिंदुस्तान साइंटिफिक हो जाए हिंदुस्तान में लोकतंत्र आ जाए हिंदुस्तान में विधि की शासन आ जाए पूंजीवाद आ जाए ये सब सोच था उनका लेकिन उनको सीमित सफलता मिली क्यों क्योंकि सरकार जो बैठी थी वह भारत को एक आधुनिक राष्ट्र नहीं देखना चाहती थी ध्यान दीजिएगा ठीक है तो आइए हम इस टॉपिक को थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं क्योंकि समय तो हम लोग के पास कम है फिर भी देखिए अब हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे हम कैसे पढ़ेंगे कि जो पांच प्रश्न हमने आपको दिया है उसका उत्तर लिखने में हमें सुविधा मिल सके हम कैसे पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजा साहब का जो पृष्ठभूमि है जो पृष्ठभूमि है वो क्या है इनका पृष्ठभूमि क्या, क्या है इसके बाद हम लोग देखेंगे इनका उद्देश्य क्या है इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका इनका प्रेरणा का स्रोत क्या है इनका प्रेरणा का स्रोत क्या है इसके बाद इनका योगदान क्या है और लास्ट में समीक्षा और लास्ट में समीक्षा इतने बिंदुओं में हम राजा साहब को बांटेंगे ठीक है अब सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठभूमि तो पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि बंगाल के हुगली में इनका जन्म होता है बंगाल के हुगली में इनका जन्म होता है एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है इनका ध्यान दीजिए इनका जो परिवार है धनी है और समृद्ध है आर्थिक रूप से समृद्ध है परिवार जो है इनका आर्थिक रूप से क्या है समृद्ध है और जिसका परिणाम हुआ कि राजा साहब का जो शिक्षा दीक्षा हुआ वो बेहतर हुआ इनके पास कई भाषाओं का ज्ञान था ये उर्दू जानते थे ये फारसी जानते थे ये बंगाली जानते थे ये अरबी भाषा जानते थे